बिग बॉस में उसका माहिरा के साथ एक कनेक्शन तो हुआ है, बट वो अभी माहिरा को भी देखेगा बिकॉज उसके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई है, जैसे आकांक्षा को लेकर या उसके प्रीवियस रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हुए होंगे. सो अब एक रिलेशन को ट्रस्ट करने के लिए या वो लड़की पे ट्रस्ट करने के लिए एक इंसान को टाइम लगता है, तो शायद से वो खुद रेडी देखिए रिलेशन को आगे लेके जाने के लिए. जब ये प्रोजेक्ट था तब तो मेरे क्रिएटिव जो टीम ने मुझे बोला, तो मैंने तो पहले ये क्वेश्चन लिया, पप्पी झप्पी तो नहीं करनी पड़ेगी ना उधर जाके, और वो भी मेरे नेशनल टेलीविजन में मेरे मॉम डैड देख रहे हैं. मैंने अपनी लाइफ में कभी मॉम डैड के सामने किसी को किस एक बॉयफ्रेंड को किस नहीं किया. जब मुझे पारस के बारे में बोला गया, मुझे ये पता है कि उस लड़के ने स्प्रिट्सविला जीता है. वो किसको डेट कर रहा था वो मुझे नहीं पता था, टू बी वेरी फ्रैंक, जब तक वो बिग बॉस में रिवील नहीं हुआ. जो बिग बॉस में उसने माहिरा का स्टैंड लिया था अपनी मॉम के अगेंस्ट जाके बिग बॉस में, बिग बॉस के बाद नहीं, बिकॉज उसके बाद एक स्टेटमेंट उसने मुझे दिया था कि मेरी मम्मी को माहिरा पसंद है, वो मेरी मम्मी का डूड. वो बात की बात है, अगर वो दिल चुराने आया किसी का तो दिल से चुराता तो अच्छा लगता, दिमाग से चुराने में कोई. तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो आपको कनेक्शन बना, वो आपको जैसे फील होता है वैसी चीज़ें होनी चाहिए. तो मैंने यही बोला था कि देखो मेरे लिए 3 महीने में कोई रिलेशन का फीलिंग्स नहीं उठती है, बिकॉज उसको टाइम लगता है हर चीज़ को बिल्ट अप होने के लिए, और वो भी मेरे नेशनल टेलीविजन में मेरे मॉम डैड देख रहे हैं. मैंने अपनी लाइफ में कभी मॉम डैड के सामने किसी को किस एक बॉयफ्रेंड को किस नहीं किया, तो टेलीविजन पर तो मैं नहीं करूँगी ये चीज़. सो आई होप दैट इज़ ओके विथ यू. एंड देन मैंने अपने फ्रेंड्स से कॉन्वर्जेशन की सारी चीज़ों, तो उन्होंने ये बोला कि ना राइट नाउ थिंग्स आर नॉट देयर इन योर लाइफ, नोबडी इज़ देयर, सो वाई डोंट यू टेक एन चांस ऑफ योर लाइफ एंड सी इफ़ यू कैन कम अक्रॉस विद समबडी द वे यू वॉन्ट. मुझे पारस के बारे में बोला गया, मुझे ये पता है कि उस लड़के ने स्प्रिट्सविला जीता है. वो किसको डेट कर रहा था वो मुझे नहीं पता था, टू बी वेरी फ्रैंक, जब तक वो बिग बॉस में रिवील नहीं हुआ. और ये पता है कि वो बहुत मेहनत करता है, इंसान काम के पीछे बहुत मेहनत करता है. ऑब्वियसली एक टाइटल जीतना, उसके लिए उसने क्या कुछ नहीं किया होगा, आई एम अवेयर ऑफ इट. मतलब उसमें वो स्ट्रैटेजी, मतलब वो स्ट्रैटेजी जैसे गेम खेलना और सब कुछ उसके अंदर है. ही इज स्मार्ट इनफ टू डू इन दैट वे एंड ऑल दैट स्टफ. सो एक हार्ड वर्किंग, और जो बिग बॉस में उसने माहिरा का स्टैंड लिया था अपनी मॉम के अगेंस्ट जाके बिग बॉस में, बिग बॉस के बाद नहीं, बिकॉज उसके बाद एक स्टेटमेंट उसने मुझे दिया था कि मेरी मम्मी को माहिरा पसंद है, वो मेरी मम्मी का डूड. वो बात की बात है, ऑन द स्पॉट जो हुआ था उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ. और हार्ड वर्किंग दिस आई थिंक, सो ये दो ही चीज़ जो था, और एक टॉल लड़का था, वो एक प्लस पॉइंट था उसका, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में हमेशा सोचा है था या है कि मुझे कोई टॉल लड़का मिले, बट अगर मुझे समझने वाला शॉर्ट भी होगा या मेरे लेवल का भी होगा तो शायद से मैं रहूँगी उसके साथ. अभी सोचना दिख नहीं गया मैं क्या सोचती हूँ, मैं अभी भी उसके बारे में मैं गलत नहीं सोचती हूँ. इतना ही है कि वो जब टेलीविजन पे और गेम खेलने के हिसाब से, दिल का शो गेम के हिसाब से खेल रहा, तो वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है. अगर वो दिल चुराने आया किसी का तो दिल से चुराता तो अच्छा लगता, दिमाग से चुराने में कोई अच्छी सलाह नहीं है, तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा. वो टाइमिंग के लिए चीज़ें होती है कि हाँ मुझे इसको साथ रखना है, इसको और आगे लेके जाना है. डूड वैसे रिलेशन नहीं चलते, जो चीज़ गेम के लिए होती है वो गेम में होती है, और जो चीज़ दिल के लिए होती है वो दिल की होती है. सो आई थिंक ही नीड्स टू लर्न स्टिल इन हिज लाइफ, बिकॉज उसको अभी सिर्फ काम ही करना है उसके लाइफ में. उसने अभी तक शादी के बारे में सोचा नहीं है, जो मुझे इंटरनली फील होता है, बिकॉज बिग बॉस में उसका माहिरा के साथ एक कनेक्शन तो हुआ है, बट वो अभी माहिरा को भी देखेगा बिकॉज उसके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई है, जैसे आकांक्षा को लेकर या उसके प्रीवियस रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हुए होंगे. सो अब एक रिलेशन को ट्रस्ट करने के लिए या वो लड़की पे ट्रस्ट करने के लिए एक इंसान को टाइम लगता है, तो शायद से वो खुद रेडी देखिए रिलेशन को आगे लेके जाने के लिए.